नमस्कार, दरुस्त न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। गजा तूफान जो आया था उसको गुजरे कुछ 10 दिन हो गए हैं। हम पुदुकोटे डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है कीरामंगलम। हम उसी गांव में बैठे हैं। आप मेरे पीछे दशा देख सकते हैं किस बदहाली में ये जो घर है ये टूट चुका है। यहाँ पे एक माँ है, इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। पेड़, तमाम पेड़, अगर हम आपको फुटेजेस दिखाएं आपके आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। पूरे के पूरे बाग गिर चुके हैं। तमाम जो नारियल के पेड़ हैं वो सब, यहाँ का जो मेन जो क्रॉप होता है वो नारियल होता है, इसी से इनकी गुजर बुजर होती है। एक नारियल के पेड़ को नारियल देने में तकरीबन 5 से 8 साल लग जाते हैं जिसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। यहाँ पे जितने भी पेड़ थे वो तमाम पेड़ 25-25 साल पुराने हैं। हम जानना चाहेंगे यहाँ के जो लोग हैं इनके ऊपर क्या गुजर बसर हो रही है, और यहाँ पर शायद ही कोई सरकारी अधिकारी आया है। अगर यही मसला चेन्नई या फिर किसी भी बड़े नगर पे होता, यानी बम्बई में होता, दिल्ली में होता, तो शायद तमाम मीडिया हाउसेस यहीं पे होते और इनको वो तमाम चीज़ें मिलती जो शायद इनको ज़रूरत नहीं भी होती। लेकिन इनकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, नीड इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद यहाँ पे न सरकारी अधिकारी आते हैं, न सरकारी महकमे यहाँ पे आते हैं, ना ही यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी घर घर घुसकर इस दशा को देख पाती है। छत नहीं है, बिन छत के ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। रहने के यार अरस अधिकारी यार इंगे वंदा ஒரு தளும் இல்லையா ஒரு நிதியும் கொடுக்கல ஐயா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அனை போலச்சல அரிசி தொ மரங்கள்லாம் இதுல விழுந்து அறுத்து போடுச்சுக்கலாம் சரிங்க சார் ஏதோ வியாபாரம் பாக்குறீங்களா இல்ல டெய்லி கூலி கூலி வேலை தான் ஐயா பார்க்கறோம் நானும் கூலி வேலை தான் பார்த்து கஞ்சி குடிச்சேன் இந்த 10 நாள்ல நீங்க வேலைக்கு போனீங்களா 10 நாளா போகவே இல்ல 10 15 நாளாம் போகவே இல்ல ஐயா வெளியே போகவே முடியல செல்லு எடுக்கல கரண்ட் இல்ல தண்ணி இல்ல எந்த வசதி இல்லாம வீட்டுக்குள்ளே தான் கிடக்குறோம் சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் என்ன பண்றீங்க சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் ஒரு இந்த இருந்த இதெல்லாம் மலையில நனைஞ்சு போச்சு அங்கிட்டு ஒரு கிலோ அரை கிலோ வாங்கிட்டு வந்து கஞ்சியா வச்சு குடிச்சிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப நாள் செண்டு நாலு மூணு நாள் இப்ப தான் சார் சமைக்கிறோம் இவ்வளவு நாள் பக்கத்துல உள்ளவங்க அங்கன்ட்ட உள்ளவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பாடு செஞ்சு அது கொடுத்தாங்க அதை வச்சு கொஞ்சம் வசதி உள்ளவங்க கொடுத்தாங்க அப்புறம் மத்த நாள் போனா இப்பதான் 3 நாளா தான் கொஞ்சம் சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ஏதோ உங்களுக்கு அத்தியாவசியமா இப்போ அத்தியாவசியமா என்ன தேவைகள் இருக்கு கவர்மெண்ட் தேவை தான் எங்களுக்கு தேவை வேணும் அவங்க கவர்மெண்ட் வேணதான் எங்களுக்கு உதவி செஞ்சா போதும் देखिए इनका ये कहना है कि इनकी जो जान बची वही बहुत मुश्किलों से बची। जिस तरह से ये घर है यकीनन जो ये कह रहे हैं वो ये साबित करता है सिफ्ट करता है कि जो इनकी जान बची है ऊपर वाले की दया से बची है। इनकी सिर्फ एक गुजारिश है कि इनको पक्के मकान दे दिए जाएं। वो जो मकान है ये तमाम जितने भी हमने ये घर देखे काफ़ी पुराने मकान हैं, काफ़ी कच्चे हो चुके हैं, पेड़ सीधे गिरे हैं इन मकानों पर, और इन लोगों ने अपनी जान बचा के लोग बाहर निकले हैं। खाना बनाना भी यहाँ पे बहुत मुश्किल है। इनके पास जो भी तमाम चीज़ें थी वो सारी या तो पानी में बह गई हैं या फिर नष्ट हो चुकी हैं। यहाँ की जो सरकार है एडप्पाडी पलनी स्वामी की जो सरकार है उससे और जो मध्य की सरकार है जो केंद्र की सरकार है यानी मोदी जी की सरकार है इन दोनों से ही गुजारिश है कि ज़रा सा अपने कामों पर ध्यान दें, मतलब इस जगह पर ध्यान दें, यहाँ पे अपने लोग भेजें, देखें किसको ज़्यादा ज़रूरत है उन तक उनकी मदद पहुँचाएँ। ये हमारी प्रजा है, ये हमारे लोग हैं, और जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो लोग भी कृपया करके गूगल पे सर्च करें कीरामंगलम, जो ये पुदुकोटे डिस्ट्रिक्ट में कीरामंगलम नामक एक जगह है। अगर आपसे नहीं हो सकता है तो आप कोई एक ज़रिया देखें, जब जिस तरह से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। हम अपने कमेंट बॉक्स पे अपना एड्रेस लिख रहे हैं, फ़ोन नंबर लिख रहे हैं, आप हमको भी सीधे संपर्क साध सकते हैं। जो कुछ भी आप सामग्री हमें भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, हम सीधे लाकर इन लोगों तक पहुँचाएँगे, ये हमारा वायदा है। बने रहें हमारे साथ रूस्टर न्यूज़। हम इस पूरे इलाके में पिछले 2 दिन से घूम रहे हैं, आपको पल पल की वो खबर तमाम खबरें दिखाते रहेंगे जो यहाँ पर घट रही हैं, इन लोगों के ऊपर घट रही है, इन लोगों की आप बीती आप तक पहुँचाना चाहते हैं जो शायद तमाम जो बड़े मीडिया हैं वो भूल चुके हैं। नमस्कार।